तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक। आ चुका हूँ अपनी एक नई वीडियो लेकर और आज हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं एक डार्केस्ट डार्क ग्रीन कलर का शेड जो पहले आपने कभी नहीं देखा होगा और ना ही कभी अपने घर में कराया होगा। डार्क कलर भाई बहुत शौकीन लोग कराते हैं, तो कलर का जैसा कलर कोड मैंने आपको दिखाया, कलर कोड है 7581 क्लाइंट्रो, कलर का नाम है। इस कलर को हम बनाएंगे एशियन पेंट्स अपेक्स में। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये बाल्टी कैसी है भाई, बहुत पुरानी पुरानी सी। तो यार देखो, मैं आपको बताता हूँ, जितने भी डार्क कलर होते हैं वो बेस में बनते हैं और मैंने जैसा आपको बताया ये कलर बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही कम बनता है ये कलर, तो इसलिए इसका बेस भी काफ़ी पुराना हो चुका है। लेकिन कस्टमर को ये कलर पसंद आया तो ये कलर हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं। अब आप कहोगे ये कैसा बेस होता है, ज़्यादातर बाल्टियाँ तो वाइट होती हैं। तो देखो, कंप्यूटर कलर जो बनते हैं वो ज़्यादातर बेस में ही बनते हैं। तो मैं आपको ये बाल्टी खोल के दिखाता हूँ, तो आप इसका कलर देखना, कलर इसमें कुछ पहले से ही मिक्स हुआ आता है कंपनी की तरफ से। तो इस बाल्टी को खोलते हैं, बने रहिए आप वीडियो मेरे साथ। इस कलर को बनाने के लिए दो कलर पड़ेंगे, दोनों कलर के नाम मैं आपको बताऊंगा। आप इस कलर को घर पर नहीं बनवा सकते, आप इसको मशीन से ही बनवा सकते हैं किसी अपने नियर बाई डीलर के पास जाके, जो कि एशियन पेंट या बर्जर का डीलर हो। तो बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं, बाल्टी को खोलते हैं फटाफट से और कलर मिलाते हैं, फिर देखते हैं कि क्या कलर का फाइनल आउटपुट रहता है। तो आप देख सकते हैं बेस का कलर कितना प्यारा निकल के आया हुआ है। अब इस कलर में हम डालेंगे ग्रीन कलर और ब्लू कलर और इन दोनों को अच्छी तरह से इस कलर में मिक्स करेंगे। तो दोनों कलर हम इसमें डाल चुके हैं, ब्लू और ग्रीन, जैसा कि आप देख भी रहे होंगे वीडियो में। और अब इसको मिक्स करते हैं बहुत अच्छी तरह से, इसको बहुत देर तक घुमाना पड़ेगा ऐसे स्टिक की सहायता से और हाथ की सहायता से, फिर कलर का फाइनल आउटपुट जो निकल के आएगा मैं आपको दिखाता हूँ डायरेक्ट वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो मेरे साथ।
तो फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद हमारा कलर बनके तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कलर कितना प्यारा लग रहा है, और दीवार पर लगाने के बाद ये और भी डार्केस्ट दिखेगा। मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रेट कार्ड पर लगा के मैच करा के दिखाता हूँ कि ये कलर कितना ही प्यारा बना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये मेरी उंगली पर जो लगा है कलर, और स्ट्रेट कार्ड पर लगा है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, दोनों कलर बिल्कुल सेम हैं। तो कलर हमारा बिल्कुल सेम बना है, कंप्यूटर से कलर बनाने का यही फ़ायदा होता है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।